सीएम मनोहर खट्टर पिछले 10 दिन से जो है जनसंवाद कार्यक्रम के दौरे पर हैं। इसको लेकर जो है दोस्तों आज की बड़ी खबर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पिछले 10 दिन से जो है जनसंवाद कार्यक्रम के दौरे पर हैं। इस पर जो है दोस्तों अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सीएम साहब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की जो है दोस्तों ये बड़ी खबर है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। ये देख सकते हैं दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो है दोस्तों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है अब फिलहाल जनसंवाद कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हरियाणा में जो है दोस्तों हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ जो है दोस्तों अभद्र व्यवहार करना और ब्लॉक स्तर पर जो है 4 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया है। सफीदो हल्के के 5 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में हेल्पर ग्रुप की 2 महिलाओं ने इनकी शिकायत की है। इस पर जो है कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने जो है दोषी पर 4 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कर दिया है। राज्य कर्म मंत्री के निर्देश पर जो है BPS के पद पर तैनात ऋषिवाल को जो है अलेवा ब्लॉक के में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो कि सफीदों में है। और इसके अलावा जो है दोस्तों BCC प्रवीण कुमार को सफीदों से अलावा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसमें नरेश कुमार को सफीदों से पिल्लूखेड़ा और सूरज कुमार को अलेवा से सफीदों में जो है दोस्तों इनके तबादले कर दिए गए हैं। जाँच की कमेटी जो है दोस्तों इसमें बैठाई गई है और CM विंडो तक जो है दोस्तों ये मामला जो है वो पहुँच गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो हैं दोस्तों लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में हैं। लोगों के जो है दोस्तों इसमें जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उनको जो है दोस्तों उनका सॉल्यूशन जो है लगातार किया जा रहा है। और इसके लिए जो है दोस्तों कुछ समय पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है दोस्तों जनसंवाद पोर्टल का भी जो है दोस्तों शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार से जो CM विंडो है उसी प्रकार से जो है दोस्तों जनसंवाद पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उस पोर्टल के माध्यम से भी जो है दोस्तों आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और उस पोर्टल में खास बात यह है कि दोस्तों उसमें हर हफ्ता जो है इसकी जानकारी देनी होती है, कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी जो है दोस्तों शिकायतें जो आई थी उन पर जो है कार्रवाई हुई है, क्या पूरा जो मैटर होता है उसकी जानकारी जो है CM साहब के पास पहुँचानी होती है। इसलिए जो जनसंवाद पोर्टल जो जारी किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा उस पर जो है दोस्तों सबसे पहले आपकी सॉल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।